का प्रधान वंशानुगत पद नहीं होता। सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज नॉट अ हेरेडिटरी ऑफिस। जिस देश का प्रधान, ध्यान रखना रिपब्लिक में कह रहे होंगे आप, हमेशा देश का प्रधान। तो सिंपल सी डेफिनेशन, जिस देश का प्रधान वंशानुगत पद नहीं होता, चाहे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, वो व्यवस्था क्या कही जाएगी? रिपब्लिक। आगे समझ में? और जब आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दोगे तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में आएगा ये, जिस देश का प्रधान, मतलब इसकी बात अपन सीधी बात कर रहे हैं, सरकार मतलब प्रधानमंत्री एक तरह से, तो जिस देश का प्रधान जनता द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना जाए, तो वो व्यवस्था क्या कही जाएगी? डेमोक्रेसी। आया समझ में? एक राष्ट्रपति है जिसे देश का प्रधान कहा जाता है, जिसे कई बार नाम मात्र का प्रधान भारत के लिए कह देते हैं, और एक कौन है? प्रधानमंत्री, जिसे देश का वास्तविक प्रधान या प्रधान कहा जाता है। तो जब आप इसकी परिभाषा दोगे रिपब्लिक, तो उसमें आपको ये नहीं देखना, क्या देखना है? प्रधान। और उसका सीधा सीधा एक लाइन है कि रिपब्लिक व्यवस्था मतलब जिस देश का प्रधान वंशानुगत पद ना हो, वो व्यवस्था क्या होगी? रिपब्लिक। और जिस देश का प्रधान मतलब सरकार या प्रधानमंत्री जनता द्वारा वास्तविक या वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन, तो व्यवस्था क्या होगी? डेमोक्रेट। तो सॉरी क्या हो, हाँ डेमोक्रेट। अब देखो आप कहानी और सुन लो रिपब्लिक की। असल में क्या हुआ था, आप देखो 1946 में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आया, बना दिया वो संविधान, संविधान सभा बनेगी। अब जब संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की बात आई, तो वो चुनाव ना हुए, और सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, चूंकि उस समय वोटिंग पैटर्न कुछ नहीं था, तो एक 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार गठित की, तो सरकार ने थी, लेकिन सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ये देश की इच्छा पर आधारित है। जो 14 लोग हैं उसमें प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, और देखना आप मंत्रिमंडल। तो क्या कहा गया कि ये जो सरकार है किसके द्वारा चुनी गई? सिंबॉलिक रूप से देश की जनता की ये प्रतिनिधि संस्था है, क्योंकि ये डिसाइड कर दिया गया था कि हम डेमोक्रेसी दे रहे हैं। तो भाई जब हम स्वतंत्र हुए, पहले तो हम स्वतंत्र थे 15 अगस्त 1947, अंग्रेज चले गए, और हमारी सत्ता जो 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल था उसने रूल करना शुरू कर दिया, और वो जनता द्वारा चुना गया, तो हम क्या हो गए? डेमोक्रेट। आ रहा था समझ में? 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए? डेमोक्रेट। हम रिपब्लिक नहीं हुए, हम डेमोक्रेटिक हुए 15 तारीख, क्योंकि रिपब्लिक में तो हेड ऑफ द नेशन आएगा ना, और अभी तो संविधान ही नहीं बना है कि भाई कौन होगा हेड ऑफ द नेशन। ठीक है, हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, वो संविधान बन जाता है, और हम उसमें बता दिया जाता है कि हमारा हेड ऑफ द नेशन कौन होगा? प्रेसिडेंट। और उसकी पूरी चुनाव पद्धति होगी कि प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करेगा? संसद, संसद करेगी, वो जो पता होगा आपको, मेंबर एम्बर सब। अब बहुत बड़ी समस्या 24 तारीख को आई, इन्होंने कहा तो भाई अपन कब लागू करेंगे संविधान, तो सब 26 जनवरी, ठीक है। अब 24 तारीख को एक सवाल खड़ा हुआ, सवाल ये खड़ा हुआ कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश का जो हेड है वो तो राष्ट्रपति होगा, अब राष्ट्रपति को तो संसद चुनेगी, और संसद तो तब होगी जब चुनाव हो, संसद के मेंबर कब आएंगे? जब चुनाव होगा, तो चुनाव तो अब जब लोकसभा बनेगी, राज्यसभा तब चुनाव होगा, तो फिर रिपब्लिक डे कैसे मना लें? तो एक निर्णय लिया गया उस सभा, एक काम करते, उस सभा का नाम क्या था? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कहा गया कि तत्काल प्रभाव से हम इसे घोषित कर देते हैं अस्थायी संसद, टेम्परेरी पार्लियामेंट। हम क्या बना दे रहे? टेम्परेरी पार्लियामेंट। वही की वही संविधान सभा जो 289 मेंबर्स उस समय बचे, 284 मेंबर्स जो थे, तो वो 284 मेंबर जो संविधान सभा थी उसका नाम क्या कर दिया गया? टेम्परेरी पार्लियामेंट, अस्थायी संसद। तो डेफिनेटली वो मेंबर क्या हो गए? अब संसद के अंदर बैठे तो क्या हो गए? सांसद। तो वो सांसद कहे गए, और उन्होंने नाम का प्रस्ताव किया कि हम अपने, लेकिन प्रॉब्लम थी अभी भी,
क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग कराए, इलेक्शन कमीशन। तो भाई ये चुनाव किसके देखरेख में होगा? क्योंकि तुमने कह दिया बन गए तो कैसे बन जाएगा जब तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बड़ी समस्या होगी। तो कहा गया जी 25 तारीख को अगले ही दिन इन्होंने संविधान लागू होने के पहले बना दिया क्या, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन आप उठा के देखो जो संविधान लागू होने के पहले बन गया, एक दिन पहले बन गया। शायद आपको पता हो कल सब लोग को कसम खा रहे थे वोट देने, तभी तो अपन ये 25 तारीख को बना था, इसलिए उसी याद में तो हम क्या बनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। तो वो संस्था बना दी गई, उस संस्था ने अब देखना सांसद, अब सांसदों ने राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया, हेड ऑफ द नेशन चुन। और 26 तारीख को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया, किसे, राजेंद्र प्रसाद को। तो देखो 26 तारीख को हम क्या हो गए, रिपब्लिक, क्योंकि डेफिनेशन पे सॉलिड आ गए ना कि द हेड ऑफ द नेशन इज डायरेक्ट इज नॉट अ हेरिडिटरी ऑफिस, वो वंशानुगत पद नहीं है, इसलिए हम क्या होंगे, रिपब्लिक होंगे। तो 26 तारीख को हम रिपब्लिक हुए, डेमोक्रेटिक तो हम कब हो गए, 15 अगस्त को ही हो गए थे। तो अब जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको कि अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि इंडिया इज अ कंट्री, इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आप ना समझ, हमारी प्रेमवद में भी आप देख रहे हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द यूज हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंग्लैंड कैसा देश है, अब मुझे ये बताओ। तो अपन एक एक देख लेते हैं, इंग्लैंड क्या सबसे पहले रिपब्लिक की कसौटी पे आ जाओ, हेड ऑफ द नेशन इज आ इज नॉट अ हेरिडिटरी ऑफिस, इफ देखा हमने वहां पे क्या है, हेरिडिटरी पूरा, इसका मतलब इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है। इंग्लैंड अकेला क्या हेड ऑफ, एक्चुअल हेड ऑफ द नेशन, देखो उनका चुनाव होता है प्रधानमंत्री वगैरह को, तो पूछना जाता है मतलब इंग्लैंड अकेला कैसा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक नहीं है। अमेरिका पे आप चले जाओ।